आज के वीडियो में बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब मान लीजिए कभी कोई प्रकाश की किरण आ रही है और हम चाह रहे हैं कि वो लौट करके चली जाए जिस पथ पे आई थी उसी पथ पर, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और वास्तव में इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है ना, वो ये है कि जैसे मान लो हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दूसरे के सापेक्ष में, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चल रहा। जैसे आप दो मीडियम लेते हो ना कि वन और टू, और आपको पता है वन म्यू टू का मतलब होता है दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा। बल्कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करे ना कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, और तुम्हें जो जरूरत है वो जरूरत है 2μ1 की। इसका मतलब उल्टा कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष तो हमें पता है, लेकिन हमें निकालना है दूसरे के सापेक्ष पहले का, उल्टा करना उसका। तो ऐसा कैसे किया जाता है, इस तरह की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वही टॉपिक है आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सपोज करिए आपने कोई एक ऐसा सरफेस ले लिया जो सरफेस दो मीडियमों को अलग अलग कर रहा है, ऊपर पहला मीडियम चाहो तो नाम बंद दे दो और चाहो तो एयर भी दे सकते हो, और नीचे दूसरा सेकंड मीडियम चाहो तो आप उसका नाम ग्लास दे सकते हो। अब इस पर एक अभिलंब ले लिया आपने, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई भी लाइन खींच दोगे वो उस पर नॉर्मल हो जाता है, अभिलंब हो जाता है, कोई प्रकाश किरण इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ऐसे करके ये आपतित किरण हो गई, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपका आपतन कोण होता है आई। वैसे तो इस किरण को अगर इस अपने पथ से विचलन नहीं होता तो ये ऐसे डॉट डॉट करके चली जाती, लेकिन विचलन होता है तो दो बातें आती हैं, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। वो डिपेंड करता है कि भाई ये और ये मीडियम कैसे है। मान लो ऊपर वाला माध्यम है विरल और नीचे वाला है सघन, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब अब आप इस किरण को अभिलंब की ओर झुकता हुआ दिखा दोगे और इस कोण को कह दोगे आर। हमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट चाहिए, यानी प्रकाश जिस पथ पर आ रहा था उसी पथ पर लौटाना है। अब लौटाने के लिए तो भाई परावर्तन का काम करना पड़ेगा, और आपको ध्यान हो तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि अगर कोई परावर्तक पृष्ठ है और कोई किरण उस पर अभिलंब की दिशा में आती है, अभिलंब की दिशा में आने का मतलब है आई की वैल्यू को जीरो हो जाना, तो आर भी जीरो हो जाएगा। आर भी जीरो होने का मतलब वो उसी पथ पर लौट करके चली जाएगी, आर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इसके मार्ग में 90 डिग्री के कोण पर, इसके मार्ग में 90 डिग्री के कोण पर और एक समतल दर्पण लगा देंगे। कब बचोक ले आया क्या, चलो देखते हैं, सील गया होगा। इसके मार्ग में 90 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण लगा दोगे आप ऐसे करके। अब ये किरण 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है, इसका मतलब ये जैसे आ रही है उसी पथ पर लौट करके चली जाएगी। ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, और वास्तव में अब ये जैसे आई और उसी तरह से उसी पथ पर लौट गई। अब हमें करना क्या है, एक बार तो आते हुए स्नेल का नियम लगाना है और एक बार जाते हुए स्नेल का नियम लगाना। तो पहले जब किरण नीचे की तरफ आ रही थी उस समय स्नेल का नियम लगाओगे तो आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू। देखिए स्नेल के नियम के लिए मैंने तुम्हें एक ही बात बताई है, जो बच्चे एब्सेंट थे वो थोड़ा ध्यान दें कि जब भी स्नेल का नियम लगाओ बस एक ही चीज का ध्यान रखो, किरण जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिससे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। मान लो आप इस मीडियम को 1 कह रहे हो तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लिया है और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लिया है। इसका मतलब यहां साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हो जाएगी μ2 अपॉन μ1, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हुआ, अब प्रकाश किरण को आपने यहां से बैक कर दिया, किरण लौट करके चली गई। जब लौट के चली गई तो फिर से तुम दोबारा से स्नेल लॉ लगाना चाहते हो, लेकिन अब क्या होगा, कभी भी ये मतलब रखना स्नेल के नियम के साइन आई अपॉन साइन आर, बल्कि रटो ये साइन किसका,
आपतन कोण का और अपोन साइन किसका, अपवर्तन कोण का। तो जब लौट करके किरण जाएगी तो आपतन कोण ये वाला होगा और अपवर्तन कोण ये वाला होगा। तो लौटते समय जब आप स्नेल का नियम लगाओगे इसमें, तो साइन क्या हो जाएगा आई की जगह पे आर और इधर साइन आई और इजुका इजुका वो मैंने बता दिया जिसमें जाती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर। तो म्यू वन अपॉन म्यू, अगर आप म्यू टू अपॉन म्यू वन की बात कर रहे हैं तो चाहो तो इसे लिख सकते हो फिर वन म्यू टू इसको, और इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे टू म्यू वन इक्वेशन सेकंड। एनएचएस में ध्यान दो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई, इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने समीकरण एक और दो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाई साइन आर अपॉन साइन आई और इज इक्वल टू वन म्यू टू मल्टीप्लाई टू म्यू वन। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इज इक्वल टू में आ गया यहाँ वन इज इक्वल टू वन म्यू टू मल्टीप्लाई टू म्यू वन। मान लीजिए मुझे निकालना था टू म्यू वन, इसकी वैल्यू की जरूरत थी मुझे जो कि मैं यहां बात कर रहा था, ये हमारे पास थी लेकिन हम इसकी वैल्यू निकालना चाहती थी। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कहां चला जाएगा अपॉन, तो यहां से आप चाहोगे तो टू म्यू वन की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वन म्यू टू, या फिर इसका उल्टा, या वन म्यू टू निकालना चाह रहे हैं तो वन अपॉन टू म्यू वन। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर आप कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाए कि भाई इसके सापेक्ष इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है लेकिन हमें चाहिए इसके सापेक्ष इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो केवल तुम्हें क्या कर देना है वन अपॉन कर देना है। मान लीजिए वन और टू को मैं ए और जी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मान लीजिए वन को तो कह रहा हूं ए, इसको ए आर कह रहे हैं, इसको ए आर तो ये म्यू ए हो जाएगा और इसको ग्लास कह रहे हैं तो ये म्यू जी हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी म्यू ए इज इक्वल टू वन अपॉन ए म्यू जी। अब आप सोचोगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ, क्या देखिए होता क्या है, वैल्यू हमेशा डेंसर मीडियम की दी जाती है, जो वैल्यू न्यूमेरिकल में दी जाएगी आपको वो हमेशा डेंसर मीडियम की होगी, किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब आपके पास जब भी वैल्यू होगी वो ए म्यू जी की वैल्यू होगी, कभी भी जी म्यू ए की वैल्यू आपके पास नहीं होगी, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वन अपॉन करके उसको निकाल सकते हो। बात समझ आ गई कि नहीं, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यही यूज है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कभी जरूरत पड़ जाए एक दो मीडियमों के आपस में उसकी, तो आप केवल उसका वन अपॉन कर दीजिए, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आ जाएगा। दूसरी जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मल्टीपल रिफ्रैक्शन। मल्टीपल रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो कई माध्यमों में से होकर के जा रही है, मान लो पहले हवा से आई पानी में, फिर पानी से कांच में, और फिर लास्ट में कांच से और कोई मीडियम है तो उसमें, और फिर लास्ट में निकल करके आई मान लीजिए एयर में, यानी हवा से चली और फिर लास्ट में हवा में आ गई। तो इस तरह बार बार रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन, सही है ना। तो अब हम अगला टॉपिक जो है वो है हमारा मल्टीपल रिफ्रैक्शन उत्तरोत्तर, मतलब बार बार उत्तरोत्तर अपवर्तन। आप बात कर रहे हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन की उत्तरोत्तर अपवर्तन, हमने तीन मीडियम लिए, एक एक ये ऊपर हवा है, ये वायु है, वायु के बाद उस दूरी तक मान लीजिए ये आपका पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी है, ये पानी है, इसके बाद इसके नीचे जो है वो मान लीजिए कांच है, ये ग्लास है कांच, और फिर से नीचे क्या हो जाएगी एयर हो जाएगी, हवा हो जाएगी।
और अब आप ऐसा रिफ्लेक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आपतित होती है, यहां आ रही है। देखिए अभिलंब ऐसा नहीं है क्या एक ही जगह अभिलंब बनाया जाता है, अभिलंब की तो जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां प्रकाश की किरण आती है, वहीं पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींच लीजिए। इसका मतलब आप यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन खींचोगे वही इस पॉइंट पर अभिलंब का काम करेगा। अब यह प्रकाश की किरण आ रही है, अगर आप चाहे मान लो इसका अपवर्तन नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण इस पाथ पर चली जाती, अगर अपवर्तन नहीं होता तो ऐसे करके सीधी चल जाती। आप लोग तो और उसको स्केल से दिखाओगे तो एकदम सीधा आएगा, लेकिन क्या होता है भाई यहां पे अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन में अब देखिए ये वायु है ये पानी है, मान लीजिए वायु के लिए तुमने अपवर्तनांक को माना म्यू ए और पानी के लिए माना म्यू डब्ल्यू और कांच के लिए माना म्यू जी और फिर से हवा में जाओगे तो उसके लिए फिर से म्यू ए। अब तुम्हें कई बार स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा, एक बार इस पॉइंट पर, एक बार फिर जब इस वाली सरफेस पे आएगा, एक बार फिर जब इस वाली सरफेस पे आएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन, बार बार उत्तर उत्तर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उत्तर उत्तर अपवर्तन, और उसको निकाल करके कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट निकाल के लाए जो न्यूमेरिकल्स में हमारा काम दे। ठीक है चलिए खैर, तो अब यहां पर क्या होगा भाई, क्योंकि वायु जो होती है वो पानी के रेस्पेक्ट में कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। इसका मतलब यहां प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब अभिलंब ये है हमारा, इसकी ओर झुक गई, ये आगे चल किरण, और मान लो ये वाला जो कोण बना आपका, इस कोण का नाम दे दिया आपने आर वन। अब प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर, तो यहां फिर से अभिलंब खींचना पड़ेगा, ये अभिलंब खींच दिया आपने। अब अभिलंब तो ये प्रकाश की किरण जो ऐसे करके सीधे निकालोगे, लेकिन अब फिर से पानी से इसमें जा रही है कांच में, अब पानी जो होता है वो कांच के कंपेरिजन में विरल माध्यम में, तो फिर से कोई कंडीशन है विरल से सघन की तरफ, तो फिर से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो थोड़ा सा और बेंड कर देना उसको, ये और बेंड हो गई तो अब ये वाला कोण और छोटा हो जाएगा, और इस एंगल को दिखाओगे तो मान लो ये हो गया आपका आर। लेकिन ध्यान रखना ये कोण आर बने तो देखो ये वाला जो कोण होगा ना ये कोण आपका आर वन ही होगा, क्योंकि ये अभिलंब और ये अभिलंब ये दो समांतर रेखा बनेंगे और उनको ऐसे तिर्यक रेखा काट लेंगे, तो जो कोण ये होता है वही कोण ये होता है, एक अंतर कोण, सही है ना। तो इस तरह से ये आर वन तो ये भी आर वन, इधर क्या देख रहे हो ये कोण आर टू हो गया। अब यहां पर अभिलंब की जरूरत पड़ेगी आपको, ये अभिलंब हो गया, लेकिन चूंकि प्रकाश की किरण हवा से चली थी और लास्ट में हवा में ही निकल के आ रही है, इसका मतलब ये हुआ जो डायरेक्शन होगी वो तो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में पहले आ रही थी। डायरेक्शन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस हो जाएं। इसका मतलब अब जो निकलने वाली प्रकाश की किरण होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, इस वाले लाइन पे क्या लगेगी ये इसके समांतर हो जाएगी, क्योंकि हवा से हवा में चली थी और जब ये इसके समांतर हो जाएगी तो डेफिनेटली ये वाला जो कोण होगा वो वही हो जाएगा जो शुरू वाला ये कोण था जिसको आपने मान लिया मान लो आई, तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्योंकि आप हवा से चले और लास्ट में हवा में ही निकले। ठीक है अब हमें क्या करना है, हर पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट को ए पॉइंट कह रहे हैं, इसे बी पॉइंट कह रहे हैं और इसे सी पॉइंट कह रहे हैं। अब इस कोण को जब तुम आर टू कह रहे हो तो ये वाला कोण भी क्या हुआ आपका आर टू, इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन। और अब इसमें हर पॉइंट पे स्नेल का नियम लगा दो, मान लीजिए पहले मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ए पॉइंट पे लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू, मैंने एक ही चीज बताई है जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिससे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, यानी म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और इसको लिख दोगे ए म्यू डब्ल्यू इक्वेशन फर्स्ट। अब आप बी पॉइंट पे बात करें, बी पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल हो गया आर वन, तो अब बी पॉइंट पे लगाओगे तो साइन आर वन अपॉन साइन आर टू, अब किस में जा रहा है भाई कांच में, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, और इसे चाहोगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी इक्वेशन सेकेंड। अब आप सी पॉइंट पे आ जाइए, सी पॉइंट पे जब लगाओगे तो अब आपका आर टू जो है ये आई का काम कर रहा है, तो साइन आर टू अपॉन साइन आई इजुकाई टू, अब किसमें जा रहा है हवा में, तो म्यू ए अपॉन म्यू जी, और इसको लिखोगे जी म्यू
ए समीकरण नंबर तीन। आप इनकी एनएचएस को थोड़ा ध्यान से देखें तो एनएचएस आपको साफ दिखाई दे रही है भाई, इसमें आई ऊपर, इसमें आई नीचे, इसमें आर वन ऊपर, इसमें आर वन नीचे, इसमें आर टू नीचे, इसमें आर टू ऊपर, इसका तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपस में कैंसिल होंगे। तो समीकरण एक दो और तीन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए एनएचएस में ऊपर साइन आई अपॉन साइन आर वन मल्टीप्लाई बाई साइन आर वन अपॉन साइन आर टू मल्टीप्लाई बाई साइन आर टू अपॉन साइन आई इजुक्ट। अब अगर आप आर एच एस की बात करेंगे तो पहला ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई बाई जी म्यू ए, ये आपस में कैंसिल, आई से आई, आर वन से आर वन और आर टू से आर टू, साइन लगा हुआ है साथ में, इनकी जगह पे आ गया पानी। तो कुल मिला के ये हो गया वन इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए। अब यहां से शुरुआत होती है कि वास्तव में तुमसे पूछना क्या चाहता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया जाएगा तो वो हवा के सापेक्ष दिया जाएगा, यानी आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है ना, अगर वो कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक, इसका मतलब आपके पास वैल्यू गिवन होगी इसकी ए म्यू डब्ल्यू की, ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी। अगर वो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक तो आपके पास वैल्यू गिवन होगी ए म्यू जी की वैल्यू गिवन होगी। और कभी भी ऐसे नहीं गिवन होता है कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष ही होगा, बल्कि उसे तो पूछता है आपसे, तो अपवर्तनांक जो गिवन होता है वो हमेशा हवा के सापेक्ष गिवन होता है। हवा के सापेक्ष पानी का दे दिया, कांच का दे दिया, भले वो ना नाम ले, वो केवल कहे पानी का अपवर्तनांक, इसका मतलब हवा के सापेक्ष ही है। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। डब्ल्यू म्यू जी ये चीज पूछने वाली हो गई, क्योंकि जो भी अपवर्तनांक होते हैं वो तो हमेशा किसके सापेक्ष होते हैं, हवा के सापेक्ष। और डब्ल्यू म्यू जी ये तो कांच का हो गया पानी के सापेक्ष, इसे पूछ सकता है तुमसे, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालने वाले में जाते हैं, यानी डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू में इन दोनों को ले जाओगे तो इन दोनों को अपॉन में लिखना पड़ेगा, वन अपॉन ए म्यू डब्ल्यू और मल्टीप्लाई बाय जी म्यू ए। अब ये तो चलो निकालना है भाई, ए म्यू डब्ल्यू ये गिवन होगा, जी म्यू ए जी म्यू ए गिवन नहीं होता, बल्कि क्या गिवन होता है, ए म्यू जी। अभी अभी आपको मैंने बताया था रिवर्सिबिलिटी में यही तो काम किया था, तो देखो रिवर्सिबिलिटी यूज आ गई हमारी, क्योंकि हमें हमें चाहिए ए म्यू जी और ये है जी म्यू ए, इसका मतलब वन अपॉन कर देना चाहिए उसको, तो अब ये वन अपॉन तो है ही पहले से, इसका मतलब इसे ऊपर ले जाकर फिर मैं लिख दूं ए म्यू जी और अपॉन में ये बचा ए म्यू डब्ल्यू और ये वैल्यू आ गई आपके डब्ल्यू म्यू जी की। इस तरह से आप डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपके पास गिवन में होगी। यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, वैसे बोर्ड में भी पूछ लिया गया कई बार, और वो एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल हमारा ये है, हमें उसने कह दिया कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे लिखते चले जाओ, तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी का अपवर्तनांक यानी आप लिखोगे म्यू डब्ल्यू, तो वास्तव में उसको ए म्यू डब्ल्यू लिख देना, क्योंकि जो भी होता है वो हवा के सापेक्ष होता है। फिर कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, इसका मतलब ए म्यू जी की वैल्यू देना है 3/2। अब वो तुमसे पूछ रहा है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, पानी के सापेक्ष यानी डब्ल्यू म्यू जी निकलवाने की बात कर रहा है, और वो फॉर्मूला आपके पास आ गया। और देखो रखने की भी जरूरत नहीं है, जब भी ऐसे लगेगा कि ये पूछ रहा है तो इसको ऐसे लिख दिया करो, जैसे ये डब्ल्यू म्यू जी ये पूछ रहा है तो बाद वाले को ऊपर लिख दिया करो, तो लिख दो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू और दोनों में ए लगा दिया करो, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो तो हमेशा किसके सापेक्ष होते हैं, ए के सापेक्ष होते हैं, बस ये काम किया करो। अब ए म्यू जी की वैल्यू कितनी दी है 3/2 अपॉन 4/3 तीन ऊपर चला जाएगा तो 9/8 ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन को समझ सकते हो, साथ ही साथ आप यहां से जो कॉन्सेप्ट समझे वो ये समझे
कि किसी एक मीडियम का अगर दूसरे के सापेक्ष कभी अपवर्तनांक पूछेगा तो वो इस तरह से निकालना होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना होगा। बात समझ गए कि नहीं? और ये नहीं है रखने की जरूरत नहीं है, वो जब भी पूछे, जैसे मान लो वो पूछ रहा है कि ग्लिसरीन के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालो, ग्लिसरीन के सापेक्ष, या और कोई लिक्विड दे देता है कि लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, तो आपको निकालना है एल म्यू जी लिक्विड के सापेक्ष कांच का, तो बस तुम क्या लिखोगे म्यू जी अपॉन म्यू एल, लेकिन दोनों में क्या लगा दोगे, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट होते ही है, इनकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी डेफिनेटली वहां पर। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। क्लियर? इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा, देखिए ये जो टॉपिक अगले वाले में टॉपिक की बात कर रहा हूं, एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल्स में काम देता है और कंपटीशन में तो इस पर कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, और टॉपिक क्या है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन दोनों बातों को समझने की कोशिश करिए। मैं उसके लिए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आप पानी के अंदर खड़े होते हो, पूरा पानी में डूबे नहीं है, आपके थोड़े से पैर पानी के अंदर डूबे हैं, और फिर अपने पैरों को देखते हैं तो ऐसे लगता है पैरों ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं, या बाल्टी के अंदर अगर कोई सिक्का डाल दे हम तो हमें ऐसे लगता है सिक्का ऊपर उठा हुआ लग रहा है, लगता है ना। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी बात करते हैं और उसको कहते हैं आभासी गहराई। तो वास्तव में हम यहां उसमें तीन बातें लेके चल रहे हैं, एक तो आभासी गहराई, दूसरा वास्तविक गहराई, और इसी में नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है भाई रियल में तो हमारे पानी में जो सिक्का पड़ा था वो नीचे था, लेकिन हमें ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो वो नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है उसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में लिख देता हूं नॉर्मल शिफ्ट, उसकी हिंदी से तो बढ़िया अंग्रेजी है, नॉर्मल शिफ्ट कितना ऊपर उठ गया, अगर आप हिंदी बात करें तो ऊपर उठा हुआ उसका जो पोर्शन है उसकी बात की जाती है नॉर्मल शिफ्ट। तो इन तीनों पॉइंटों को एक साथ हमको समझना है, वो बहुत आसान टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, मैं हर क्वेश्चन की ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व करें। और देखो बहुत आसान चीज है, अगर आपने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है और आज थोड़ा ध्यान दोगे और ऐसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई भी बच्चा उसको सॉल्व कर देगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है पूरे टॉपिक। तो हमने मान लिया एक हमारे पास टैंक है और टैंक में भरा हुआ है पानी, और पानी जो भरा हुआ है उस पानी की जो डेप्थ मान लो या हाइट मान लो उस टैंक के अंदर वो हमें गिवन है, मान लीजिए वो गिवन है h, कि h गहराई तक पानी भरा हुआ है, तो वास्तव में वास्तविक गहराई तो हो गई h, भाई जितना पानी भरा हुआ है। अब आप इसमें एक सिक्का डाल दोगे मान लो यहां पर, तो वास्तव में सिक्का कितने नीचे है, h नीचे है, इसका मतलब उसी को तो वास्तविक गहराई कहोगे, तो वो जो गहराई दे देगा पानी की, के पानी इतनी गहराई तक भरा हुआ है वही उसकी वास्तविक गहराई होगी। अब हमारे रह गए बस दो काम, एक आभासी गहराई निकालना और एक नॉर्मल शिफ्ट निकालना। अगर हमारी आभासी गहराई आ जाए, मान लो हमें ये यहां की बजाय यहां देखने लग जाए, तो नॉर्मल शिफ्ट तो अपने आप निकल आया, क्योंकि वास्तविक वाले में से इसको हटा देंगे आभासी वाले को, तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब होता क्या है, पहले उस चीज को समझने की कोशिश करो। ये तो है वस्तु, जो कॉइन पड़ा हुआ है ये वास्तव में क्या है, ये वस्तु, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसका दिखता है प्रतिबिंब, ये नहीं दिखती हमें, हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है पानी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ अगर आभासी गहराई निकालनी है तो पहले हमें इसका प्रतिबिंब बनाना होगा कि भाई इसका प्रतिबिंब बन कहां रहा है, और जहां प्रतिबिंब बनेगा वहीं तक की जो गहराई होगी उसको आभासी गहराई। तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश की किरण तो हमने इससे भी सीधी, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण सीधी जा रही है, और आप भी जानते थे कल परसों मैंने रिफ्लेक्शन जब पढ़ाया था कि अगर सीधे नॉर्मल की डायरेक्शन में जो रे जाती है वो उसी पाथ पर सीधी चली जाती है, लौट के कब जाती है जब परावर्तन हो रहा हो, अपवर्तन होता है तो उसी पाथ पर सीधी चली जाती है, लौट के कब जाती है जब परावर्तन की बात की जा रही है, लेकिन यहां बात अपवर्तन की जा रही है
तो उसी पाथ पे सीधी चली जाएगी। अब आपने एक दूसरा पॉइंट ले लिया यहां पर कोई, मान लो इस पॉइंट को कह रहे हो सरफेस पर ए और इस पॉइंट को कह रहे हम बी, इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दिया। अब दूसरी प्रकाश किरण इस वस्तु से हमने इस वाले पॉइंट में ली, दूसरी प्रकाश किरण ये। अब यहां पे अपवर्तन दिखाओगे तो आपको अभिलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहां तो अभिलंब उसी लाइन पे था इसलिए खींचने की जरूरत नहीं थी, प्रकाश किरण सीधे चली गई, लेकिन यहां अभिलंब खींचना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो कोण बन रहा है ये कोण आई बन रहा है, अगर ये कोण आई होगा तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, साफ दिख रहा है। लेकिन अब प्रकाश किरण क्या हो रही है, अब पानी से हवा में जा रही है, यानी उल्टा हो रहा है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी वो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे चली जाएगी, और ऐसे चली जाएगी तो अब ये किरण और ये किरण आगे नहीं मिलेंगी कहीं, इसका मतलब इसको पीछे की तरफ तुम बढ़ाओगे कहीं ना कहीं तो ये जहां जाकर के इसको काटेगी वहीं पे बन जाएगा इमेज आई। तो वास्तव में वो जो सिक्का पड़ा था ना पानी के तल में, वो तुम्हें यहां नहीं दिख रहा था, वो तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा था। तो अब जो इसकी आभासी गहराई हो गई वो हो गई ए आई। तो इसमें यहां पर अगर आभासी गहराई की बात करूं, आभासी गहराई की बात अगर आप फिगर के हिसाब से करें तो वो है आपकी ए आई, और वास्तविक गहराई की बात करें तो वो है ए, और वस्तु का नाम दे दिया हमने ओ। तो वास्तविक गहराई हो गई आपकी ए, और नॉर्मल शिफ्ट की बात करें तो कितना उठ गया ओ से आई तक, ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट, ये हो गया ओ आई। तो ये तीनों चीजें फिगर में समझ में आ गई, अब बात रहती है इनको निकालने की। मान लो ये ऊपर क्या है हवा और ये है पानी, अब दो चीजें हैं, पानी के अपवर्तनांक को आपने लिख दिया म्यू डब्ल्यू और हवा के को लिख दिया म्यू ए, सही है। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये वाला कोण अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बना लिया इसको मान लिया आर। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पीछे हटाने पे ऐसे आ रही है, तो ये और ये और ये एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिजिक्स कम है ज्योमेट्री ज्यादा है, ये लाइन और इनको ऐसी लाइन काटेगी तो ये कोण जैसे ऐसे होता है, बहुत सारी लाइन होती है, ये कोण ये कोण ये कोण ये सब कोण क्या होते हैं बराबर उतने संगत कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोण हमारा आर है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इस पॉइंट को ये वाला जो पॉइंट था इसको हम बी मान के चले थे, मैंने बाहर लिख दिया था लेकिन अब उसके अंदर लिख देता हूं बी पॉइंट। अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं यहां पहले तो स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ लगाओगे तो आप देखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, और स्नेल लॉ लगाने का सिंपल तरीका बताया मैंने, जिसमें प्रकाश किरण जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिससे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, इसका मतलब किस में जा रही है हवा में, तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, और इसको वैसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू म्यू, लेकिन ये वैल्यू नहीं होगी तुम्हारे पास, डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू नहीं होगी बल्कि वैल्यू किसकी होगी ए म्यू डब्ल्यू, तो चाहो तो उसको लिखो वन अपॉन बात समझ लो ना भाई, हमेशा हमको लाना तो उस फॉर्मेट में ना जो हमें गिवन होगा, अब जो चीज हमारे पास है ही नहीं तो उसके उसमें लिखने से क्या फायदा, इसलिए हमने क्या लिख दिया उसको वन अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, क्योंकि वास्तव में हमारे पास अपवर्तनांक तो उस पानी का दिया होगा, और जरूरी नहीं है पानी हो सकता है क्रिस्टलाइन हो सकता है कांच हो सकता है कोई दूसरा मीडियम हो, यहां तो बात की जा रही है किसी मीडियम की, कि वस्तु जो है वो सघन माध्यम में पड़ी हुई है और देखने वाला उसको विरल माध्यम से देख रहा है, तो विरल माध्यम से जब वो देखता है तो उसको वो उठी हुई दिखती है, तो वास्तव में उसकी जो गहराई रियल में जितनी थी वो इतनी नहीं दिखती बल्कि उससे थोड़ा सा क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो कितनी कम हो जाती है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं भाई, चलिए ये तो हमारा फॉर्मूला गया इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, अब क्या करें फिगर से, फिगर से केवल एक ही काम करना है कि साइन आई की वैल्यू निकाल लो और साइन आर की वैल्यू निकाल लो और यहां कुछ कर दो इसमें। तो अगर मैं फिगर से बात करूं तो साइन आई
तो साइन आई इज इक्वल टू आई ट्राइंगल देखो ए ओ बी और आई के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ओ बी ऐसे ही साइन आर इस वाले का ये तो ए बी अपॉन बी आई या आई बी दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये दोनों वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे तो साइन आई की जगह पे ए बी अपॉन ओ बी और साइन आर की जगह पे ए बी अपॉन आई बी और इज इक्वल टू वन अपॉन ए म्यू डब्ल्यू ए बी से ए बी कैंसिल आउट और आई बी चला जाएगा ऊपर इसका मतलब ये आ गया आई बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए म्यू डब्ल्यू ओके अब ध्यान दो थोड़ा सा मान लो हम ये कहें कि बी पॉइंट जो है वो ए के बहुत क्लोज है सिचुएशन ऐसी बन जाए मान लो आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन है ये पॉइंट ए है ये पॉइंट आई है और ये पॉइंट ओ है और बी पॉइंट हमारा यहां है तो बी पॉइंट यहां होगा ऐसे और यहां होगा ऐसे अब बी ए के बहुत पास हो अगर मान लो अगर ऐसा हो कि बी ए के बहुत पास है तो बी आई को या आई बी को क्या लिख सकते हो उसको लगभग आप ए आई लिख सकते हो भाई जब बी इस ए के बहुत पास होगा तो ये वाली डिस्टेंस लगभग इसके बराबर होगी और ऐसे ये वाली डिस्टेंस लगभग इसके बराबर होगी तो बी आई को तो लिख देंगे ए आई और बी ओ को लिख देंगे ये तो ये बात आपकी समझ में आएगी ऑप्टिक्स में ऐसा बार बार आएगा आप लोग समझोगे कि सब तो वैसे ही पागल बनाते रहते हैं भैया मन किया उसको लाने का तो उसको उठा के कह दिया कि ये बहुत क्लोज है ऐसा नहीं है ये क्लोज है क्लोज क्यों है अब उसको समझ लो वास्तव में आप इस प्रतिबिंब को देख रहे हो और ये तभी दिखेगा जब ये वाली किरण और ये वाली किरण आपकी आंख में आएगा आंख से ही तो देख रहे हो इसका मतलब आंख से देख रहे हो तो दोनों किरणें आंख में आएंगी तभी तो यहां दिखेगा और आंख कितनी बड़ी होती है भाई छोटी सी तो आंख जब छोटी होगी तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा ए के बहुत क्लोज हो जाएगा बस यही तो बताना चाह रहे हैं सही है ना तो जब बी क्लोज हो जाएगा तो जहां आई बी है या तो बी आई है वहां पे ए आई लिख दो तो आई बी की जगह पे लिख दिया ए आई और ओ बी की जगह पे लिख दिया ए ओ और इज इक्वल टू वन अपॉन ए यू और मान लो मैं ए आई की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ए आई इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन ए व्यू डब्ल्यू ए आई को क्या कह रहे थे आभासी गहराई देख लिया आभासी गहराई तो आभासी गहराई बराबर हो गया ए ओ क्या है वास्तविक गहराई और अपॉन में उसका अपवर्तनांक पानी का ए व्यू अब ये जरूरी नहीं है कि तुम फॉर्मूला ए म्यू डब्ल्यू करके याद रखो बल्कि चाहो तो फॉर्मूले में खाली म्यू रहने दो म्यू का मतलब है वो जो भी कैंसर मीडियम वहां लिया जा रहा है उसका अपवर्तनांक तो इस तरह से आपने फॉर्मूला समझ लिया और देखो सीधी सी बात है अपवर्तनांक की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होती है इसका मतलब ये हुआ ये तुम्हें पहले से ही पता चल रहा था कि सिक्का ऊपर उठा हुआ लगेगा यानी आभासी गहराई की वैल्यू कम आनी है इसका मतलब म्यू का सीधे सीधे क्या होना चाहिए भाग लगना चाहिए तभी तो कम आएगी अगर तुम गुणा लगा दोगे तब तो ज्यादा हो जाएगी ना तो अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए और तुम्हें ऐसा लग रहा है वहां देखने पे प्रैक्टिकली कि वो तो भाई कम आनी चाहिए आभासी तो सीधे से उस म्यू का भाग लगा दो उसमें ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए कि एक टैंक में पानी जो भरा हुआ है वो 5 मीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है और उसका अपवर्तनांक जो है वो 4/3 है 4/3 अपवर्तनांक यानी म्यू की वैल्यू है और पानी गहरा जो है वो 5 मीटर है तो बताइए वो तुम्हें कितनी गहराई पर दिखेगा तो तुम कह दोगे सा आवासी गहराई पर दिखेगा और आवासी गहराई क्या हो जाएगी वास्तविक गहराई बचे अपवर्तनांक 4/3 ऊपर चला गया 15/4 आ गया कितने मीटर आंसर आ गया तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा इस तरह से आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे अब बात आई नॉर्मल शिफ्ट की तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए जरूरी नहीं है फॉर्मूले निकालो अब आपकी वैसे तो 5 मीटर थी और वो इतना आ गया इन दोनों को माइनस कर लोगे वही क्या आ जाएगा उसका नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा और वैसे आप नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहते हो तो आप ए ओ में से
ए आई को घटा दो तो ये आ जाएगा, यही तो नॉर्मल शिफ्ट है। तो आपने माइनस कर दिया ए ओ में से नॉर्मल शिफ्ट के लिए, नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए, नॉर्मल शिफ्ट है हमारा ओ आई, तो ओ आई के लिए ओ आई आपने ए ओ में से माइनस कर दिया ए आई को। अब ए ओ माइनस ए आई की वैल्यू क्या आई है, ए ओ अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ए ओ को कॉमन ले दो, वन माइनस वन अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, चाहो तो इसकी वैल्यू लगा देना एच, और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू चाहो तो म्यू लिख देना बस, मतलब जो मैंने दिया था गैसर मीडियम उसका अपवर्तनांक, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट निकल कर दिया, ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। तो जरूरी नहीं है आप इसे रखें, आप तो जब आवासी गहराई निकाल लोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, उसमें से माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बदलेगा उस चीज को समझने की कोशिश करो। मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा आ जाए, अभी क्या हो रहा था, देखने वाला था विरल माध्यम में, हम देख रहे थे हम हवा में थे, और जिस चीज को देखा जा रहा था वो थी सघन माध्यम में पानी के अंदर, तो वो चीज हमें उठी हुई लग रही थी, यानी आभासी गहराई कम थी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, परिस्थिति को बदल दिया जाए, तो आभासी गहराई बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे कैसे, मान लो कोई पेड़ पर चिड़िया बैठी है और पानी के अंदर से मछली उसको देख रही है, और फिर कहा जाए कि मछली जो चिड़िया को देख रही है, अगर उसकी वास्तविक गहराई दे दी जाए, वास्तविक डिस्टेंस बता दिया कि इतनी डिस्टेंस पर है, तो बताओ रियल में उसको कितनी दिखेगी, तो वो बढ़ी हुई दिखेगी उसको। क्यों? क्योंकि देखने वाला तो अब की बात कहां है, सघन माध्यम में, और वस्तु को देख रहा है विरल माध्यम में, तो अब बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के केस में क्या करोगे, अब फिर तुम आभासी गहराई निकालोगे, तो वास्तविक गहराई अपॉन म्यू मत करना, बल्कि जब तुम्हें लगे कि बढ़ जाए तो मल्टीप्लाई बाय म्यू करना, जब तुम्हें लग रहा है कम होना है तो डिवाइड बाय म्यू करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो ये कहने लग जाए कि देखने वाला तो सघन माध्यम में है और विरल माध्यम की चीज को देख रहा है, तो वहां पर आभासी गहराई का मान ज्यादा होगा, और ज्यादा लाने के लिए फिर आप म्यू का डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि म्यू का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे। तो एक तो ये चीज, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ऐसा भी मत करना, क्योंकि ये देखना है हमें कि डिस्टेंस बदलनी कौन सी है, तो जो डिस्टेंस चेंज हो उसको बदलने की बात करना बस। ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में कि जो देखने वाला है वो कुछ दूरी विरल माध्यम में भी देखे और कुछ दूरी सघन माध्यम में भी देखे। सपोज करिए ये एक एग्जाम्पल है कि ये पेड़ है और पेड़ पे बैठी है चिड़िया और ये पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर कुछ गहराई पर है मछली। अब इतनी डिस्टेंस तो पानी के अंदर है और इतनी डिस्टेंस हवा के अंदर है। अब मछली जो देखेगी उसको, तो मछली को जो बढ़ी हुई डिस्टेंस लगेगी वो कहां लगेगी, भाई पानी के अंदर तो पानी में तो है ही, पानी के अंदर की चीज को पानी में रखे देख रहा है तो वो तो उतना ही दिखना है। इसका मतलब ये थोड़ी बढ़ेगी, ये तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन हवा वाली जो डिस्टेंस उसे दिखेगी वो बढ़ी हुई दिखेगी। तो हवा वाली अगर एच है तो अब वो एच न होकर के वो म्यू एच दिखेगी उसे, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। समझ रहे हो ना बात को, यानी ऐसे नहीं है कि आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, यहां से यहां तक है 10 मीटर, और आप क्या कर दो 10 और 4 14 मल्टीप्लाई बाई कर दो म्यू, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बल्कि आपको ये चीज सोचनी है वहां पर कि बढ़ेगा कौन सा, भाई पानी में तो वो खुद ही है तो पानी भाई डिस्टेंस थोड़ी बढ़नी है, अब तो बढ़ना कौन सी है एयर वाली, तो केवल आप इस 4 को तो रखोगे तो 4+, और बढ़ेगी कौन सी हवा वाली, कितनी है 10, तो 10 मल्टीप्लाई भाई। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे ही यहां भी ध्यान रखना। मान लो इसको हम जस्ट यहां से देखने की बात न करके हम कह रहे होते कि इस चीज को हम यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस ये हवा वाली है, तो हवा वाली डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी भाई, जो हवा में से देख रहा है तो हवा में तो जितनी है उतनी दिखेगी, तो चेंज तो केवल पानी वाली का होना था ना। तो हवा वाली अगर एच थी और चलो एच डैश मान लेता हूं, तो पानी वाली एच थी, तो ये तो एच रहेगी एच डैश,
और ये जो हो गई वो हो गई एच बटे वी, क्योंकि वो कम हुई है। तो अगर क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है ये तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर आप सघन माध्यम से देख रहे हो तो बढ़ा हुआ लगेगा, विरल से देख रहे हो तो घटा हुआ लगेगा। अब घटाने के लिए डिवाइड कर देना, बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई कर देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन ध्यान इतना रखना कि अगर देखते समय दोनों मीडियमों में डिस्टेंस दे रखी है तो जिस मीडियम में आप हो उस डिस्टेंस को मतलब बदलना, उसको तो उतनी रहने देना, दूसरे वाले मीडियम की डिस्टेंस को चेंज करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरी एक और बात, मान लीजिए कभी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, एक न्यूमेरिकल इस तरह का हो सकता है कि भाई एक बर्तन के अंदर पानी नहीं बहुत सारे द्रव भरे हुए हैं और ऐसे द्रव है वो आपस में नहीं मिलते। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार पानी नहीं है, पानी के अलावा कई मीडियम भर दिए गए उसके अंदर और उनकी लेयर अलग अलग है और वो आपस में मिक्स नहीं होते। मान लो ग्लिसरीन डाल दी, शहद डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, सही है, वो मिक्स नहीं होते, अलग अलग है। ऐसे करके तीन मीडियम अलग अलग है और अब तीसरे मीडियम में यहां पर कोई वस्तु रखी है और यहां से आप उसको देख रहे हो, तो क्या करें? अब ये तो पता है तुम्हें कम दिखेगी आभासी गहराई जब निकालोगे, अब कम होगी लेकिन स्टेपों में कम होगी, इसके लिए अलग कम, इसके लिए अलग कम, इसके लिए अलग कम, क्यों? क्योंकि सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और इसकी यहां से यहां तक थिकनेस है टी वन, इसका म्यू टू थिकनेस टी टू, म्यू थ्री थिकनेस टी थ्री, तो अब जो आभासी गहराई होगी आपकी, अब आभासी गहराई हो जाएगी, आभासी गहराई इक्वल टू टी वन अपॉन म्यू वन प्लस टी टू अपॉन म्यू टू प्लस टी थ्री अपॉन म्यू थ्री। ये तो पता है कि मैं कम हो जाएगी, तो रियल गहराई कितनी है इसकी? रियल गहराई है इसकी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। लेकिन आभासी में क्या हो जाता है? जब हम विरल माध्यम से सघन की चीज को देखते तो वो कम हो जाता है, तो अलग अलग स्टेप में कम होगा, इसका अलग कम होगा, इसका अलग कम होगा, इसका अलग कम होगा, तो वो आपका कम कितना हुआ? टी वन अपॉन म्यू वन, टी वन अपॉन म्यू टू, टी वन टी थ्री अपॉन म्यू थ्री, और उसको प्लस कर दिया बस। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो ऐसे सॉल्व करो।